वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबू धाबी का यहाँ पर मैच खेला जाएगा न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स वर्सेस मॉर्सविले सैम पार्मी के बीच में। इस दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ग्रैंड लीग के सबसे बेस्ट कैप्टन स्मॉल लीग में कौन से डिफरेंशियल पिक्स होने वाले इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। पिछले यहाँ पर आगे के जो 7-8 मिनट हो गए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं आपको जो भी बोलूँ कैप्टन वाइस कैप्टन वो अगर आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में बनाते हो तो ग्रैंड लीग भी जीतोगे और स्मॉल लीग में आपकी एक रैंक भी आएगी। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो यहां पर मैच खेला जाएगा यहां पर न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स वर्सेस मॉर्सविले सैम पार्मी के बीच में, ठीक है। आज यहां पर 5:30 बजे मैच खेला जाएगा। अगर बात करेंगे यहां पर शेख जायद स्टेडियम जो कि अबू धाबी का, वही मैच यहां पर खेले जाने वाले हैं। अब देखो पिच रिपोर्ट की बात करूंगा तो यहां पर मैचेस कैसे हो रहे दोस्तों, यहां पर जो मैचेस हो रहे शेख जायद स्टेडियम की बात करूंगा तो शेख जायद स्टेडियम में ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है कि जो भी पहले बैटिंग कर रही है ना पिछले कुछ मैचेस से वही टीम जीत रही है, यह ध्यान में रखना है। जो भी सेकंड बैटिंग कर रही है ऑफकोर्स वो अगर जीत रही है ना तो उनके विकेट्स ना बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। जो भी सेकंड इनिंग में यहां पर बॉलिंग आती है किसकी, उनके बॉलर्स होने चाहिए, और जो भी फर्स्ट बैटिंग आती है उनके ज्यादा से ज्यादा आपके बैट्समैन होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब ज्यादा से ज्यादा स्कोर इस मैच में भी दिखेगा क्योंकि दोनों के यहां पर टीम के जो बैट्समैन है बहुत ज्यादा तगड़े है, तो इनके जो लगभग हम बोल सकते हैं कोई 120 के आगे यहां पर स्कोर दिख सकता है आज के मैचेस में। देखो 56 मैचेस खेले गए, 28 मैचेस यहां पर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड करके 28 137 लगभग इनका फर्स्ट इनिंग का एवरेज है, सेकंड इनिंग में थोड़ा कम है 130 का, ठीक है ध्यान में रखिएगा। अब न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के प्लेइंग 11 कौन सी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एंड्रू फ्लेचर पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग करेंगे, युआन मॉर्गन आजम खान वसीम मोहम्मद कायरन पोलार्ड जॉर्डन थॉम्सन वाहब रियाज अकील हुसैन मतीउल्ला खान और रवि रामपाल, ये रहेंगी इनकी प्लेइंग 11, ठीक है दोस्तों। और मॉर्सविले सैम पार्मी की बात करूंगा तो मोइन अली जॉनसन चार्ल्स शिमरन हिटमायर डेविड मिलर ड्वेन पिटोरियस करीम जन्नत चमिका कुरुनरत्ने बेसिल हमीद अंड्रिक नोरखिया अहमद रैजा और शेडन क्वार्टर, ये रहेंगी यहाँ पर मॉर्सविले सैम पार्मी की प्लेइंग 11। अब देखो स्मॉल लीग, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये NYS वर्सेज MSA के यहाँ पर स्मॉल लीग के मस्ट पिक। अब देखो मस्ट पिक मतलब कि क्या दोस्तों, ये जो ये प्लेयर्स है ना वो आपको स्मॉल लीग में ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ठीक है। इनको आपको चाहे कितने भी आप यहाँ पर अच्छी ग्रैंड लीग की मतलब कि 4 मेंबर खेल रहे हो, मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो या फिर स्मॉल लीग खेल रहे हो, उनको आपको ड्रॉप नहीं करना है। वो कौन से प्लेयर है, पहले आते हैं यहाँ पर जॉर्डन थॉम्सन, दूसरे आते हैं अकील हुसैन, ठीक है। ये दोनों प्लेयर्स न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के आपको ड्रॉप नहीं करने हैं। फिर आते हैं यहाँ पर मॉर्सविले सैम पार्मी के जॉनसन चार्ल्स और ड्वेन पिटोरियस, ये दोनों को आपको ड्रॉप नहीं करना है, ये मस्ट पिक रहेंगे स्मॉल लीग के। अब देखो ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा सा रिस्की पिक्स कौन से हैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये ध्यान में रखना कि ये पूरे के पूरे रिस्की पिक रहेंगे। अगर दोस्तों ये चल गए तो आपकी ग्रैंड लीग सबसे नंबर 1 पर आएगी, वो क्यों दोस्तों, क्योंकि इनका सिलेक्टेड परसेंटेज है ना 10 से बहुत नीचे है। अब इनको पूरा मौका मिलता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, इसलिए मैं रिस्की पिक यहाँ पर ग्रैंड लीग के बता रहा हूँ। मतीउल्ला खान और इजराइलुल्ला नवीद, ये रहेंगे न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स की तरफ से। और यहाँ पर मॉर्सविले सैम पार्मी की बात करूँगा तो यहाँ पर बेसिल हमीद और मोइन अली, मोइन अली को देखो बहुत लोगों ने यहाँ पर इग्नोर कर दिया है, तो इस मैच में ये बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर है, ठीक है ध्यान में रखना। तो इस मैच में बहुत अच्छी पारी आ सकती है मोइन अली की, तो आपके लिए एक रिस्की पिक रहेगा लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना अगर ये चल गया तो आपकी ग्रैंड लीग लग सकती है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के की प्लेयर्स, अब ये की प्लेयर्स मतलब दोस्तों आपको स्मॉल लीग्स में एक डिफरेंशियल पिक्स और आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे ग्रैंड लीग्स में ना आपको इनको रोटेट करना है। ये जो मैं यहाँ पर दोनों टीम्स के प्लेयर्स बताने वाला हूँ, पहले न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के की प्लेयर्स रवि रामपाल रहेंगे पहले नंबर पर, कायरन पोलार्ड 6, इनका जो रिकॉर्ड रहा है 6 रन 26 बैटिंग नहीं आई 1 रन 45, ठीक है ये रहेगा आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल्स और स्मॉल लीग में आपके लिए की प्लेयर। युआन मॉर्गन 15-32-87-42 यह इनका रिकॉर्ड है पिछले 5 मैचेस का। फर्स्ट स्टर्लिंग की बात करूं तो पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे, 5-25-32 ये रहेंगे आपके की प्लेयर्स। देखो ध्यान में रखना ये जो प्लेयर्स रहे ना ज्यादा से ज्यादा टॉप 3 या टॉप 4 के यहां पर प्लेयर्स रहेंगे, ठीक है। तो वही प्लेयर्स टीटीएन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखिए बहुत नीचे बैटिंग करना है तो उनके लिए इतना ज्यादा पॉइंट्स नहीं देते, तो आपके लिए ऊपर के जो टॉप के 4-5 प्लेयर्स हो ना वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर आएंगे यहाँ पर अकील हुसैन जो आपके लिए की प्लेयर्स रहेगा, ठीक है इस टीम का। फिर आएंगे यहाँ पर मॉर्सविले सैम पार्मी के की प्लेयर्स, मोइन अली नंबर 1, डेविड मिलर, ऑनरिक नोरखिया, शेल्डन क्वार्टर, ड्वेन पिटोरियस और जॉनसन चार्ल्स। इस टीम के ज़्यादा से ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं आपको दोस्तों की प्लेयर्स, क्योंकि इस टीम के जीतने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच की, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपको बहुत यहाँ पर लग रहा होगा कि राशिद खान क्यों नहीं है इस पे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस या फिर दूसरे प्लेयर्स और कौन से नहीं है, ठीक है ये ग्रैंड लीग के सबसे बेस्ट पिक। अब मैं आपको वो क्यों बताता हूँ, ठीक है। अब जो ड्वेन पिटोरियस है, राशिद खान है,
ये हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन पिक क्यों बनते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो मेन प्लेयर्स है ना, ये सभी मेन प्लेयर्स इनको विकेट्स दे देते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा जब भी इस टीम के खिलाफ या फिर उस टीम। लेकिन दोस्तों ये ध्यान में रखना, अगर ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी पारी खेलेंगे तो मतलब विकेटलेस कौन जाएंगे, ड्वेन विटर और राशिद खान, वहाब रियाज, ऐसे प्लेयर्स आपके क्या रहेंगे, विकेटलेस। तो अगर आपको ग्रैंड लीग खेलना है दोस्तों, तो ये जो प्लेयर्स है ना मैंने दिए हैं पांच प्लेयर्स, वो अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करने ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग की बहुत बहुत ही अच्छी पिक आपकी बन जाती है। और कैप्टन अगर इनको बनाएंगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है आज के मैचेस में ना, ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन का ही बोलवाला रहेगा, क्योंकि ये जो पिछले मैचेस में ये जो सारे प्लेयर्स हैं ना, बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, अभी तक इनकी बेस्ट पारी नहीं आई है। तो यही मौका है दोस्तों यहाँ पर। अब देखो अबूधाबी दो ही दिन बचे हैं यहाँ पर ख़त्म होने के लिए, तो बड़े मैच के ये बड़े प्लेयर्स है, ये पांचों भी प्लेयर्स ना बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आज के मैच में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना है ग्रैंड लीग की, और ग्रैंड लीग जीतना है, ठीक है। स्मॉल लीग की बात करूंगा तो स्मॉल लीग के मैंने यहां पर आपके लिए एक टीम दी है, तो उसमें देखिए कैप्टन मेरे मोइन अली और वाइस कैप्टन पुआज स्टर्लिंग है, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो ना दोस्तों, प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही आपको वीडियोज आएंगे। तो प्लीज आपको अगर यहां पर ऐसी प्रेडिक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड दोस्तों टेक केयर।